अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहोगे कि करंट अफेयर्स अड्डा, डेली करंट फॉर वन डे एग्ज़ाम, यूपी TPSC एग्ज़ाम, UPPSC एग्ज़ाम, UPSI, रेलवे एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम एक्सेट्रा, मीन्स जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं सभी को पता है कि करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आम होता है। तो आज की जो करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग जो है जुलाई के 1 से 15 जुलाई के बीच के करंट क्या रहे उनके बारे में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 1 से 15 जुलाई करंट अफेयर्स, जिसमें वीडियो बहुत बड़ी ना हो, आप थोड़े समय में अध्ययन कर लें। इसके लिए 1 से 15 जुलाई के करंट को भी दो पार्ट में करके देंगे। एक पार्ट अगर आज है तो नेक्स्ट पार्ट कल होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सभी को पता है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को चुना गया है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है मौके पर? ओम बिरला। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश में हाल ही की ये न्यूज़ है कि किस राज्य में प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय, तो प्रत्येक जिले में ये मध्य प्रदेश की बात है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट वहीं देखते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं। कितने? 11 पदक, ठीक है। नेक्स्ट है, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? तो सभी को पता है यह पल वास्तव में जब T20 विश्व कप का फाइनल मैच देखा जा रहा था तो सभी की आंखें थम सी गई थी कि अरे अब क्या होगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़कर सबकी आंखों में एक खुशी का माहौल पैदा कर दिया। तो T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड जो है सूर्य कुमार यादव को मिला। नेक्स्ट है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। किसने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ठीक है, किसने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वो अग्निकुल कॉस्मस। कौन है? अग्निकुल कॉस्मस, ठीक है ना। अग्निकुल कॉस्मस ने जो है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो महाराष्ट्र में जो है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है,
संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन जो है भारत और थाईलैंड देश के बीच किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो अभी हाल की बात है, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता जो है हंगरी ने संभाली है। नेक्स्ट है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 8 पदक जीते। चलिए आगे देखते हैं, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत श्रीलंका, ठीक है ना, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका में किया जाएगा दोनों मिला के। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने जो है बल्लेबाजी कोच और मेंटर जो है वो दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष जो है डॉक्टर बीएन गंगाधर को, डॉक्टर बीएन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनआईसी के साथ, भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए एनआईसी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अस्ताना में, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है अस्ताना में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी शॉर्ट वीडियो, 1 से 15 जुलाई के बीच की करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इस वजह से, नहीं तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं पूरी वीडियो दे सकता हूँ, लेकिन बड़ी वीडियो से लोग बोर होते हैं और ऐसे रहेगा तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन हैं, सभी को आसानी से कवर किया जा सकता, ठीक है। तो कहिए तो ये कुल मिला के देखिए तो ऐसे 15 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे सभी को सुविधा मिल सके। तो ये 1 से 15 जुलाई के बीच की फर्स्ट पार्ट की वीडियो है, और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे आपको अवश्य मिलेगी, मीन्स 1 से 15 जुलाई की करंट अफेयर्स नेक्स्ट वीडियो में पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।